मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविवार शाम भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय दर्ज हो गया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार, 30 मई 2019 को दूसरी बार और 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शाम के करीब 7:20 पर प्रधानमंत्री मोदी सफेद कुर्ता पजामा और नीला जैकेट पहने हुए शपथ के लिए पहुंचे तो राष्ट्रपति भवन का प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। पीएम ने सबसे पहले झुककर मेहमानों का अभिवादन किया और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। राष्ट्रपति की इजाजत लेकर जैसे ही समारोह शुरू करने की घोषणा की गई और प्रधानमंत्री मोदी के नाम का ऐलान हुआ, मोदी जैसे ही शपथ लेने के लिए उठे, राष्ट्रपति भवन का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ के बाद प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति के पास जाकर उन्हें अभिवादन किया। इस बीच मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी भी बैठे हुए थे, जबकि पीएम के पीछे की पंक्ति में ललन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल,
वीरेंद्र खटिक और राम मोहन नायडू बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री के बाद मंत्री परिषद में शामिल होने वाले दूसरे मंत्रियों को भी बारी बारी से शपथ दिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।